Hello everyone, hope you all are doing very very good. So today in this video we are going to discuss about the influence of heredity and environment on the development of a child. Okay, and in this video we are going to discuss the heredity and its process, laws of heredity, environment ka kya role hai and its educational implications. Theek hai, so let's start it. So first of all, what is heredity? Heredity hoti kya hai? Heredity is basically the transmission of mental and physical traits from parents to offsprings. Hamare hame apne parents se jo bhi physical characteristics milti hain on the time of conception wo hoti hai hamari heredity. Theek hai, isme for example ke liye color of eyes, height, color of hairs and इंटेलिजेंस, ये सब क्या है हमारी हेरिडिटी होती है. एंड नेक्स्ट इज हेरिडिटी इज स्टैटिक्स. हेरिडिटी क्या होती है? स्टैटिक होती है, मतलब ये फिक्स्ड रहती है. जो ट्रेट्स हमारे कंसेप्शन के टाइम पे डिसाइड हो गए वही ट्रेट्स हमारे लाइफ लॉन्ग चलेंगे. वो फिजिकल करेक्टरिस्टिक्स हमारी चेंज नहीं होंगी. हमारी जो कॉग्निटिव और इंटेलेक्चुअल करेक्टरिस्टिक्स हैं वो विद टाइम हमारी चेंज होती है ड्यू टू environmental forces. If we talk about the process of heredity, heredity का process क्या होता है? It's very simple. इसमें male reproductive cell होता है उसको sperm बोलते हैं और जो female reproductive cell होता है उसको ovum बोलते हैं. Okay, this is clear. ठीक है, तो इन दोनों की जब mating होती है, ठीक है, male reproductive cell और female reproductive cell की mating होती है, then एक उस process को क्या बोला जाता है? Fertilization. ठीक है, उस process को क्या बोलते हैं हम? Fertilization. ओके, एंड उस फर्टिलाइजेशन प्रोसेस के बाद एक जो न्यू सेल क्रिएट होता है दैट इज कॉल्ड जाइगोट. ठीक है, सो दिस इज वेरी सिंपल प्रोसेस. और इसमें एक और बात जो हमें ध्यान रखनी है वो सिर्फ इतनी है कि जो मेल रिप्रोडक्टिव सेल है उसमें भी क्या होते हैं? 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स. एंड जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल है उसमें भी क्या होते हैं? 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स. ठीक है, अब 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम में 22 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स जो होते हैं उनको बोला जाता है ऑटोसोम्स. ओके, एंड जो एक्स वाई एक 23rd पेयर जो होता है दैट इज कॉल्ड आर सेक्स क्रोमोसोम. ठीक है, जो कि बॉयज में एक्स वाई क्रोमोसोम मन से फीमेल्स में भी 22 पेयर्स जो होते हैं दैट इज कॉल्ड ऑटोसोम्स. एंड द लास्ट वन दैट इज एक्स एक्स क्रोमोसोम इन फीमेल्स इज कॉल्ड द सेक्स क्रोमोसोम. ठीक है, इनकी मेटिंग होती है, फर्टिलाइजेशन प्रोसेस होता है, उस दौरान 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम फ्रॉम फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल एंड 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम फ्रॉम मेल रिप्रोडक्टिव सेल दोनों की मेटिंग होती है. एंड इसमें जो जायगोट जो न्यू सेल फॉर्म होती है उसमें भी 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम का एक न्यू सेट फॉर्म होता है. ठीक है, जिसमें रिप्रोडक्टिव सेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल्स के जो ट्रेट्स हैं जो जीन्स हैं वो कंबाइन होते हैं. ओके, सो यहाँ पर अगर हम लॉज ऑफ हेरिडिटी की बात कर रहे हैं तो हेरिडिटी ग्रेगर मेंडल ने हमें दिए थे. ठीक है, तो वो क्या बोलते हैं? फर्स्ट है इनका लॉ ऑफ डोमिनेंस. तो जब क्रोमोसोम्स मीट करते हैं, क्रोमोसोम बेसिकली दे आर द कैरियर ऑफ आर ट्रेट्स. जब उनकी मीटिंग होती है और न्यू पेयर फॉर्म होता है तो जो ट्रेट जो फीचर डोमिनेंट होता है, या तो मदर का फीचर डोमिनेंट होगा या फिर फादर का फीचर डोमिनेंट होगा, तो जो फीचर डोमिनेंट होगा बच्चे में वो फीचर हमें क्या होगा? दिखाई देगा. ठीक है, तो बेसिकली जो न्यू सेल फॉर्म होती है दैट इज जायगोट, वो क्या करती है? जो डोमिनेंट फीचर्स होते हैं उन्हीं को एक्वायर करती है. ठीक है, सो ये हो गया लॉ ऑफ डोमिनेंस. नेक्स्ट इज लॉ ऑफ सेग्रीगेशन. ऑफ सेग्रीगेशन में क्या होता है? जैसे 23 पेयर्स होते हैं इज इक्वल टू 46 क्रोमोसोम हो गए टोटल एक रिप्रोडक्टिव सेल में, तो 46 फ्रॉम मेल एंड 46 फ्रॉम फीमेल दोनों रैंडमली मीट करेंगे, सेग्रीगेट हो जाएंगे. वो जो पेयर्स बने होते हैं वो क्या हो जाते हैं? सेग्रीगेट हो जाते हैं और रैंडमली मीट करते हैं. जो न्यू जायगोट फॉर्म होता है उसके अंदर मिक्स्ड क्वालिटीज होती हैं मेल और फीमेल की. एग्जाम्पल इंडिपेंडेंट असॉटमेंट की यहाँ पर हम बात कर रहे हैं. तो फॉर एग्जाम्पल जैसे दो बच्चे हैं एक ही पेरेंट से बिलोंग करते हैं. ठीक है, तो जो बड़ा बच्चा है वो उसकी करेक्टरिस्टिक्स अपने फादर जैसी हैं और जो छोटा बच्चा है उसकी करेक्टरिस्टिक्स अपने मदर जैसी हैं. ठीक है, तो जब वो बड़े बच्चे जब फर्टिलाइजेशन प्रोसेस हुआ बड़े बच्चे के टाइम तो उसमें जो डोमिनेटिंग फीचर्स थे वो कुछ और थे. ठीक है, और जब छोटे बच्चे के टाइम फर्टिलाइजेशन हुआ तो डोमिनेटिंग फीचर्स कुछ और बन गए. इसका मतलब है कि जो ट्रेट पहले डोमिनेंट नहीं था, पहले रिसेसिव था, अब वो डोमिनेंट हो गया. तो जो जीन्स हैं जो ट्रेट्स हैं जो क्रोमोसोम्स हैं वो इंडिपेंडेंटली एक दूसरे से मेटिंग करते हैं. ठीक है, सो नाउ इफ यू टॉक अबाउट एनवायरनमेंट, सो एनवायरनमेंट इज बेसिकली द एक्सटर्नल फोर्स जो कि बच्चे की डेवलपमेंट पे इन्फ्लुएंस डालता है. एवरीथिंग एक्सेप्ट द जीन्स. हमारे फिजिकल करेक्टरिस्टिक्स को छोड़ के हमारा मेंटल इंटेलेक्चुअल और हमारा सोशल कॉग्निटिव जो भी ग्रोथ होगा वो हमारा
एनवायरनमेंट के थ्रू होगा. एंड नरिशमेंट एंड इनहेरिटेड जीन्स इज पॉसिबल ओनली विद प्रॉपर एनवायरमेंटल कंडीशन. बोल रहे हैं कि अगर जो इनहेरिटेड जीन्स हैं वो अच्छी क्वालिटीज़ के हैं, ठीक है, बट हमें प्रॉपर एनवायरमेंटल कंडीशन नहीं मिल रही हैं, तो उनकी एक प्रॉपर नरिशमेंट नहीं हो सकती. तो फॉर प्रॉपर नरिशमेंट एंड डेवलपमेंट तो हमें एक अच्छा एनवायरमेंट भी चाहिए. एंड द पर्सनैलिटी ऑफ द चाइल्ड इज़ द रिजल्ट ऑफ इट्स एनवायरमेंटल कंडीशन. ये तो ऑब्वियसली सबको पता है कि जो एक बच्चा है उसकी जो पर्सनैलिटी है, ठीक है, यहाँ पर फिजिकल करेक्टरिस्टिक्स की बात नहीं हो रही, यहाँ पर उसकी पर्सनैलिटी यानी कि उसके एटीट्यूड और उसके इंटेलेक्चुअल लेवल की बात हो रही है, कि जो उसकी पर्सनैलिटी है वो उसकी एनवायरमेंटल कंडीशंस पे डिपेंड करती है. ठीक है, यहाँ पर एक बहुत अच्छा एग्जांपल हम ले सकते हैं, द वुल्फ बॉय. ठीक है, ऑल्दो वो एक ह्यूमन चाइल्ड था बट वो जंगल में खो गया था, तो वो वुल्फ्स के बीच में रहता था, तो उसकी जो पर्सनैलिटी थी तो वुल्फ्स जैसी बन गई थी. वो वुल्फ्स जैसा ही बोलता था, वुल्फ्स जैसा ही चलता था एंड वुल्फ्स जैसी ही खाना खाता था. ठीक है, सो जो एक ओवरऑल पर्सनैलिटी होती है किसी भी चाइल्ड की, वो शेप अप होती है उसके एनवायरमेंटल कंडीशंस की वजह से. सो नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट टाइप ऑफ एनवायरमेंट एंड देयर रोल. तो फर्स्ट है प्रीनेटल एनवायरमेंट, जो कि हमें पता है कि बच्चा पेट में होता है 9 मंथ्स के लिए, ठीक है, तो तब का जो एनवायरमेंट होता है वो भी उसकी डेवलपमेंट पे अफेक्ट डालता है. फॉर एग्जांपल केमिकल बैलेंस ऑफ मदर्स बॉडी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, फॉर एग्जाम्पल स्ट्रेस लेवल एंड द टाइप ऑफ डाइट. अगर जो मदर है वो एक स्ट्रेसफुल कंडीशन में है तो उसकी बेबी की ओवरऑल डेवलपमेंट में क्या आता है, अफेक्ट आता है, और वो एक अच्छी न्यूट्रिशियस डाइट नहीं ले पा रही है मदर, ठीक है, तो उसके बेबी की डेवलपमेंट पे अफेक्ट होगा. नेक्स्ट इज़ फिजिकल एनवायरनमेंट. फिजिकल एनवायरनमेंट में होता है कि क्वालिटी ऑफ लिविंग कंडीशंस, फॉर एग्जाम्पल जहाँ पर हम रह रहे हैं वहाँ पर प्रॉपर एयर, वाटर फैसिलिटीज़, फूड, प्रॉपर एजुकेशनल फैसिलिटीज़, ये सब जो फैसिलिटीज़ अगर प्रॉपरली अवेलेबल हैं तो चाइल्ड की जो डेवलपमेंट है वो अच्छे तरीके से होगी. अब यहाँ पर है सोशल एंड कल्चरल एनवायरनमेंट. सोशल एनवायरनमेंट, ठीक है, इट इंक्लूड्स द एलिमेंट ऑफ द सोसाइटी. अब इसमें आपके जो हैं सोसाइटी के एलिमेंट्स जैसे कि फैमिली, फ्रेंड्स, नॉर्म्स ऑफ द सोसाइटी, ये सब भी क्या हैं, बच्चे की डेवलपमेंट पे इफेक्ट डालते हैं. कल्चरल बिलीव्स ऑफ द सोसाइटी कैन हैव मार्केबल इंप्रेशन ऑन द मेंटल एंड द मोरल डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड. ठीक है, बच्चा किस कल्चर में बड़ा हो रहा है वो उसकी मोरल डेवलपमेंट पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट डालते हैं. उसकी कंपनी कैसी है, क्या उसके दोस्त अच्छे हैं, क्या वो अच्छे दोस्तों की कंपनी में है, ये सब उसकी मोरल डेवलपमेंट पे बहुत बड़ा इंप्रेशन डालते हैं. इन्फ्लुएंस ऑफ द सिबलिंग्स, उसके सिबलिंग्स का उसके साथ कैसा बिहेवियर है वो भी उसकी डेवलपमेंट पे अफेक्ट डालता है. इमोशनल एनवायरनमेंट है कि बच्चे को किस तरह से नर्चरेंस मिल रही है या नहीं अपने पेरेंट्स से, अपने टीचर्स से, अपने पीयर्स से. ठीक है, अगर उसको ये सब चीज़ें नहीं मिलती हैं, अगर उसको प्रॉपर लव एंड अफेक्शन नहीं मिलता है, तो जो बच्चा है वो उसके अंदर सेल्फ एस्टीम, लो सेल्फ एस्टीम या फिर फ्रस्ट्रेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी. सो एक इमोशनल एनवायरनमेंट क्रिएट करना घर में, क्लासरूम में भी बहुत ज़रूरी है. तो नाउ इनका इन्फ्लुएंस क्या है चाइल्ड की डेवलपमेंट पे, ठीक है, तो हेरिडिटी इन्फ्लुएंस द फिजिकल स्ट्रक्चर ओनली. ठीक है, हेरिडिटी जो है बच्चे के फिजिकल स्ट्रक्चर पे को इन्फ्लुएंस करती है, बट एनवायरनमेंट इज समथिंग विच शेप अप द ओवरऑल पर्सनैलिटी. ठीक है, तो हेरिडिटी तो क्या है, हमें फिजिकल करेक्टरिस्टिक्स मिल गई, हमारी हाइट इतनी होगी, हमारे बालों का कलर ऐसा होगा, यानी कि बच्चा दिखने में कैसा होगा, बट जो एनवायरनमेंट है जो वो ओवरऑल पर्सनैलिटी को क्या करता है, शेप अप करता है. हम किस तरह के एनवायरनमेंट में रहते हैं, अगर हम एक अच्छे एनवायरनमेंट में रहते हैं जहाँ पर हमें हमारी जो लर्निंग ज़्यादा है, हमें स्टिमुलेशन ज़्यादा मिल रही है लर्निंग के लिए, बेहतर तरीके से लर्न कर पाएंगे. ठीक है, एंड बोथ आर इम्पोर्टेंट. ठीक है, अब इसमें जो ये वुडवर्थ एक साइकोलॉजिस्ट हैं, ठीक है, उन्होंने बोला कि दीज बोथ आर इम्पोर्टेंट. हेरिडिटी इज़ इम्पोर्टेंट फॉर फिजिकल डेवलपमेंट. हेरिडिटी एनवायरनमेंट किसके लिए इम्पोर्टेंट है, इंटेलेक्चुअल, सोशल एंड इमोशनल डेवलपमेंट के लिए. ठीक है, एनवायरनमेंट भी इन तीनों की डेवलपमेंट के लिए अच्छा होना चाहिए. ठीक है, नाउ एजुकेशनल इम्प्लीकेशन की बात यहाँ पर करें तो वेरिएशन अमंग चिल्ड्रन ड्यू टू हेरिडिटी कैन मेक अ टीचर अवेयर ऑफ द कैपेबिलिटीज ऑफ चाइल्ड एंड ऑल्सो हेल्प्स टू प्लान हर टीचिंग टास्क अकॉर्डिंगली. टीचर को पता होना चाहिए कि बच्चों के अंदर वेरिएशंस हेरिडिटी की वजह से हैं, एनवायरनमेंट की वजह से हैं, तो उसके अकॉर्डिंग वो बच्चों की कैपेबिलिटीज़ को देखते हुए अपने टीचिंग टास्क को प्लान करें. ठीक है, एंड वे कुछ मेंटल करेक्टरिस्टिक्स इनहेरिटेड होती हैं, हमारी मेंटल करेक्टरिस्टिक्स, सेल्फ एस्टीम हो गया,
या कुछ बच्चे इंट्रोवर्ट्स होते हैं, तो टीचर को क्या करना है, एज अ सोशल एलिमेंट वहाँ पर एक्ट करना है, एज अ गुड सोशल एलिमेंट वहाँ पर एक्ट करना है और नेसेसरी स्टेप्स लेने हैं बच्चे की पर्सनैलिटी को शेप अप करने के लिए, ठीक है। एंड टीचर को एक हेल्दी एनवायरनमेंट भी क्या करना चाहिए, क्रिएट करना चाहिए, ताकि बच्चे जो हैं क्लास में अपने आप को, अपने आइडियाज़ को एक्सप्रेस कर सकें। नो चाइल्ड कैन बी बोर्न विदाउट इनहेरिटेड फिजिकल क्वालिटीज़, बट अ प्रॉपर एनवायरनमेंट इज़ असेंशियल फॉर द डेवलपमेंट, ठीक है। फिजिकल क्वालिटीज़ के साथ सब पैदा होते हैं, बट उनकी डेवलपमेंट के लिए हमें एक प्रॉपर एनवायरनमेंट की जरूरत। दिस इज़ इट फॉर दिस वीडियो एंड आई होप दिस वीडियो विल बी हेल्पफुल फॉर यू, एंड इफ इट इज़ हेल्पफुल फॉर यू प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।